सरकार एक आदमी का व्यक्ति विशेष का सरकार नहीं होता, सरकार को सभी लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों को सुविधा नहीं मिल रहा है, जो राजनीतिक में है लोग उनको सुविधा मिल रहा है, जो राजनीति में है ही नहीं उनको क्या सुविधा मिलेगा। टीम पाटलिपुत्रा नाम से इसलिए रखा गया है कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। एक नया लॉन्चिंग किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? हमारे टीम पाटलिपुत्रा का मुख्य उद्देश्य है कि ना तो ये कोई राजनीतिक मंच है, ना कोई संगठन है, ये एक टीम पाटलिपुत्रा नाम से इसलिए रखा गया है कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। और इस टीम का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे समाज के कुर्मी और धानुक समाज से जुड़े हुए लोग कहीं भी वंचित हैं, कोई शोषित हैं, कोई उनको परेशान कर रहा है, तबाह कर रहा है, किसी तरह का कोई घटना उनके साथ घट जाती है, तो उनके साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं और कदम से कदम मिला के उनके सुख दुख में साथ रहेंगे और उनका जो भी दुख आएगा, समस्या आएगा, उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप ही के पार्टी का सरकार भी है, जिस प्रकार से लोग बोलता है कि नीतीश कुमार जी का सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार जी का सरकार होने के बावजूद भी आखिर आपके आपके ही जाति के लोगों को सुविधा उस प्रकार की मुहैया नहीं हो पा रही है? सुविधा देखिए, सरकार एक आदमी का व्यक्ति विशेष का सरकार नहीं होता, सरकार को सभी लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों को सुविधा नहीं मिल रहा है, जो राजनीतिक में है लोग उनको सुविधा मिल रहा है, जो राजनीति में है ही नहीं उनको क्या सुविधा मिलेगा। पूर्वी समाज के लिए आज भी नीतीश कुमार बहुत अच्छे लीडर हैं और पूर्वी समाज के साथ हैं, हमेशा सुख दुख में साथ हैं। कुछ लोग बोल रहा है कि हमारे समाज का जो नेता है उपेंद्र कुशवाहा जी, आपका क्या मानना है? देखिए, अब तो ये अपना अपना सोच है और अपना अपना समझ है, हर आदमी का सोच एक जैसा नहीं हो सकता है। कुछ लोग को मोदी जी पसंद हैं, कुछ लोगों को नीतीश जी पसंद है, मगर हम लोग नीतीश जी के सच्चे सिपाही हैं और नीतीश जी के साथ हैं, और नीतीश जी जैसा बिहार में दूसरा कोई नहीं है, बस नीतीश जी हैं, नंबर वन है नीतीश जी। उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर क्या कहेंगे, जो आजकल अपनी पार्टियां बना करके फिर से जो आपके लोग के कास्ट के वोट के लिए सारे लोग घूमते चल रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या बात कीजिएगा, आज तक वो कितने दल में घूम चुके हैं, कितना पार्टी बनाए, कितना उनका कुछ कहना ही है, और वो जितना लंबा सोच रखते हैं वो बिहार में तो संभव नहीं है। नीतीश कुमार जब तक हैं यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार के रहते उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ कोई सीट नहीं मिलने जा रहा है। आपके समाज को लेकर के हाजीपुर में जो जिस तरह की घटनाएं हुई, उस तरह की कई घटनाएं आपके समाज के लोगों के साथ हुई, उसमें कहीं ना कहीं जो है नहीं लग रहा है कानूनी कार्रवाई स्तर भी रहा है, धीमा रहा है? देखिए, कानूनी कार्रवाई का स्तर धीमा क्या कहिएगा, अब जहाँ ये तो शुरू से होता आया है कि जिस क्षेत्र में जहाँ जिस कास्ट का बोलबाला रहता है उनकी थोड़ा ज़्यादा रहती है उनकी पहुँच, तो जिस जगह की ये घटना है वहाँ हमारे समाज का मात्र 4 से 5 घर है, मगर 4 से 5 घर वहाँ के लिए है, घटना उनके साथ घटी, वहाँ के लोगों को लगा होगा कि ये अकेला है, तो हम लोग भी वहाँ दिखा दिए अपने समाज के लोग की कितना एकता है हम लोगों में, और उस यूनिटी के साथ सोनपुर गांव में सोनपुर के प्रशासन को और सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि कुर्मी समाज अकेला नहीं है, इनके साथ भी सारे लोग जुटे हुए हैं और ज़रूरत पड़ने पर सब लोग एक जगह एक मंच पे आ सकते हैं और अपना इंसाफ ले सकते हैं। आने वाले दिनों में टीम पाटलिपुत्रा पॉलिटिक्स में भी अहम भूमिका निभाएगी या क्या इरादा है टीम पाटलिपुत्रा? देखिए, टीम पाटलिपुत्रा ना कोई पार्टी से है, ना कोई संगठन से है, ना किसी ये से, टीम पाटलिपुत्रा स्वतंत्र है। हाँ, ये रह गई बात कि इसमें हम समाज के अपने समाज के लोगों को लेकर के चल रहे हैं और ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये बस स्पेशली समाज के लोगों के हित के लिए ये टीम बनाया गया है।